In this video, I'm gonna tell you 5 reasons why your YouTube shorts not getting views. And maximum creators यही mistake करते हैं जिसकी वजह से उनकी short videos कभी viral नहीं जाती है. But don't worry, अगर इस video को तुम end तक देखते हो तो तुम्हारे भी next short video definitely viral जाएगी. And इनमें 3rd and 5th बहुत ही important point है, तो इस video के किसी भी part को skip मत करना. Your YouTube Shorts not gaining algorithm advantage. It means के तुम अपने short video को सही से optimize नहीं करते, जिससे YouTube का algorithm उसे सही analyze नहीं कर पाता है. It means के तुम अपने video में title, description and relevant tags का use नहीं करते, तो YouTube का algorithm उसे सही audience तक suggest नहीं करता है. And उस short video पर सिर्फ 5 या 10 views ही आते हैं. तुम्हें अपने short video के title में low competition and high search volume keywords को use करना है. Not using proper hashtag. अगर तुम एक short creator हो तो तुम्हें पता होगा कि YouTube में short videos के लिए hashtag कितने important है. And यहीं पर बहुत से creator mistake कर देते हैं जिससे उनकी short video कभी viral नहीं जाती है. वो अपनी short video में topic कुछ और बताते हैं and hashtag कुछ और ही लिखते हैं, जिससे YouTube का algorithm उनकी video को सही audience तक suggest नहीं करता है. And उनकी video गलत audience तक जाने से audience को interest नहीं होता है, जिससे वो video को नहीं देखती है. And view percentage कम होने की वजह से उनकी short video कभी viral नहीं होती है. Now अभी तो ये दो common mistake थे, but next one बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड इस मिस्टेक को 90% न्यू क्रिएटर्स करते हैं. अपलोड ए वीडियो मीन्स के अगर तुम अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो एंड लॉन्ग वीडियो दोनों अपलोड करते हो तो तुम्हें उस पर व्यूज नहीं आएंगे. अगर तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स बेस ज्यादा हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स बेस ज्यादा नहीं है तो ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हें जितने भी सब्सक्राइबर्स मिलते हैं वो शॉर्ट फीड से यानी उस शॉर्ट वीडियो से मिलते हैं, तो उन्हें लॉन्ग वीडियो देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है. नाउ अब तुम अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो एज वेल एज लॉन्ग वीडियो दो अपलोड करते हो तो तुम्हारे सिर्फ शॉर्ट वीडियो पर व्यूज आएंगे, लॉन्ग वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें लॉन्ग वीडियो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है. एंड अगर वो लॉन्ग वीडियो नहीं देखते तो उस लॉन्ग वीडियो की रीच एंड इंप्रेशन डाउन हो जाता है, जिससे तुम्हारे चैनल पर भी इफेक्ट पड़ता है. सो तुम्हारे चैनल पर जब तक ज्यादा सब्सक्राइबर्स बेस नहीं हो जाते तुम्हें सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करना है. एंड अगर लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो तो लॉन्ग वीडियो ही अपलोड करना है. कंटेंट क्वालिटी. नाउ अगर एक तुम न्यू क्रिएटर हो तो तुम्हें सबसे पहले इसी को फोकस करना चाहिए. नाउ तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है, बट तुम्हारे पास कंटेंट क्वालिटी बैड होगी तो ऑडियंस उसे ज्यादा देर तक नहीं देखेगी. सो तुम एक दिन में एक ही शॉर्ट वीडियो अपलोड करो, बट कंटेंट क्वालिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए. तुम्हारे शॉर्ट वीडियो में जितनी अच्छी कंटेंट क्वालिटी होगी, तुम जितनी देर तक ऑडियंस को हुक करोगे उतने ही व्यूज आने वाले हैं. नाउ अब तुम इतना सब तो कर लोगे, बट लास्ट पॉइंट को मिस करते हो तो तुम्हारी शॉर्ट वीडियो कभी वायरल नहीं होगी. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी शॉर्ट वीडियोस को वायरल करने के लिए. अपलोड ए वीडियो रॉन्ग टाइम. इट मीन्स के तुम्हें अपनी शॉर्ट वीडियो ऑडियंस के एक्टिव टाइम पर ही अपलोड करना चाहिए, जिससे तुम्हारी शॉर्ट वीडियो को इनिशियली बूस्ट मिले. एंड अगर तुम अपनी शॉर्ट वीडियो को ऑडियंस के डीएक्टिव टाइम पर अपलोड करते हो तो उसे इनिशियली बूस्ट नहीं मिलेगा एंड उस पर व्यूज नहीं आएंगे.